सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एलजेब्रा के इस तरह के क्वेश्चंस कैसे हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं. राइट, सो वी नो एन आइडेंटिटी ऑफ एलजेब्रा. राइट, तो आप यहां से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, अब आप यहां से देखिए ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सिंपली क्या चाहिए, एक्स वाई का सम और एक्स वाई का प्रोडक्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं. सो दिस विल बी, सो दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल एंड प्रोडक्ट इज वन. नाउ सम फाइंड करेंगे तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एलसीएम लीजिए. एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट. राइट, अब फर्स्ट टर्म लिखने के लिए आप इस एलसीएम को डिवाइड करिए डिनोमिनेटर से, जो भी आंसर आए उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए. सो दिस विल बी दिस स्क्वायर प्लस, सिमिलरली इस टर्म के लिए, अब यहां पर आप इसे एक्सपेंड करने के लिए ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कीजिए. राइट, तो यहां पर a क्या है रूट फाइव, बी क्या है रूट थ्री. सो दिस विल बी प्लस, यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कीजिए और दिस इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. सो आइडेंटिटी से हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. राइट राइट, अब फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, फाइव प्लस टू रूट फिफ्टीन प्लस थ्री प्लस फाइव माइनस टू रूट फिफ्टीन प्लस थ्री माइनस थ्री. सो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल. अब आप प्रोडक्ट को और सम को यहां पर पुट कर दीजिए. सो दिस विल बी एट क्यूब माइनस थ्री इंटू वन इंटू एट एंड दिस इज 512 माइनस 24. इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी एंड इट्स सिंपल. सो इस तरह के क्वेश्चंस जनरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ.